मेरा सवाल निखिल जी से है. हेलो. प्रोमो काफी अच्छा है. थैंक यू. इतनी बड़ी है इसके, उसका स्केल इतना बड़ा है. हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट एक इवेंट जो 17 साल पहले हुई थी, कारगिल के वॉर से शुरू होती है, फिर प्रेजेंट डे पे आती है. और प्रेजेंट डे में क्या उनके साथ क्या हो रहा है, क्या बीत रहा है, सारे कैरेक्टर्स, उनके इमोशंस. तो टू मेक इट अबाउट अ 2.5 आवर फिल्म बहुत ही इट विल नॉट डू जस्टिस टू द स्टोरी. और स्टोरी इतना वास्ट है, इतने सारे ट्रैक्स है, इतने सारे मतलब इमोशंस है, ट्विस्ट एंड टर्न्स है. तो आई नेवर थॉट अबाउट एवर मेकिंग इट इनटू अ फिल्म. आई ऑलवेज वांटेड टू मेक अ शो दैट व्हेन पीपल लाइक यू वॉच इट से दैट अरे यार इसे तो फिल्म बननी चाहिए थी. एक सवाल और जी. दो देशों में युद्ध होता है जी, युद्ध खत्म हो जाता है जी, कुछ सैनिक बंदी बना लिए जाते हैं. कई बार क्या होता है कि दो मुल्कों में टेंशन चलती है तो कुछ लोग जैसे सीमा पार कर गए उनको भी वहाँ बंदी बना लिया जाता है. कई ऐसे केसेस हैं, 10 साल 20 साल 15 साल या तो वापस ही नहीं आ पाए या आए तो उनकी भी हालत कुछ ऐसी ही होती है. तो इनका दुख और उनका दुख कुछ अलग महसूस होता है या कुछ फ़र्क क्या है दोनों में? मेरे ख्याल से कुछ फ़र्क नहीं होगा. अगर आप बंदी बनाए गए जिस वजह से बनाए गए, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वेदर यू आर अ सोल्जर, वेदर यू आर फार्मर, वेदर यू स्ट्रेड अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर, वेदर यू एक्चुअली वर कैप्चर्ड एंड टेकन अक्रॉस. कहानी उन फैमिलीज़ की है, उन कैरेक्टर्स की है, उन लोगों की है जो यहाँ पे उनको यहाँ पे छोड़ के चले गए. हाँ, वहाँ पे जो दो युद्ध बंदी है, जो इमरान खान और सरताज सिंह है, वी डेफिनेटली शो कि उनके साथ क्या होता है और उनके वजह से जो हुआ है, उनके वजह से यहाँ पे उनके साथ क्या बीत रही है. 17 साल के जो घोस्ट है वो उनको किस तरह से दे हैव टू हैंडल दैट एंड दे हैव टू डील विद दैट टुडे. बट आई डोंट थिंक देर विल बी एनी डिफरेंस. मैं नहीं जानता हूँ. मैंने जो रिसर्च किया, मैंने सिर्फ उन फैमिलीज़ के साथ किए जिनके हस्बैंड्स हैव बीन टेकन एज प्रिजनर्स ऑफ वॉर. तो बट इट्स आई एम श्योर इट्स द सेम. एक सवाल और है मनीष जी से है मेरा सवाल. बिल्कुल. थैंक यू मनीष जी से. आपने अपने प्रेजेंटेशन में जो लाइनें बोली उसमें से एक चीज़ नोटिस करने वाली थी कि भारतीय सेना का सिपाही भी टूट सकता है, बदल सकता है, चेंज हो सकता है. 17 साल इतना बड़ा वक्त होता है. ये बात दावे से कही जा सकती है या ये एक अनुमान है या शो इसके आसपास घूमता है? ये प्रश्न एक्चुअली निखिल के लिए ही है. ये प्रश्न मेरे लिए नहीं है. तो अगर आप बुरा ना माने तो मैं माइक वापस निखिल को दूंगा. ये इसका जवाब देंगे आपको. और इसके जवाब को आपको 126 एपिसोड देखने पड़ेंगे, तब आपको मिलेगा कि भारतीय सेना टूट सकता है या नहीं टूट सकता है. हेलो. या गुड इवनिंग टू ऑल. मुझे निखिल जी से पूछना है कि एक फिल्म को डायरेक्ट करना और एक सीरियल को डायरेक्ट करना में कितना फर्क होता है? फिल्म बनाना एक 100 मीटर रेस होता है. यू टेक ऑफ एंड यू रीच द एंड. एक शो बनाना मैंने सीखा है क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार ये शो बनाना, टीवी सीरियल करना क्या, इसमें आई कैन ईजली डू इट. मैंने बनाई है बड़ी बड़ी फिल्म्स. बट इट्स अ मैराथन रेस. आपको स्टैमिना, यू नीड स्टैमिना लाइक यू नेवर हैड बिफोर. आई एम वेरी फॉर्चुनेट, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आई हैव अ वेरी गुड टीम. द वन पर्सन हु शुड बी स्टैंड, टू पीपल हु शुड बी स्टैंडिंग ओवर हियर इज मधु भोजवानी एंड मुनीषा अडवाणी, माई प्रोड्यूसिंग पार्टनर्स. उनके बिना ये, और उनके बिना और उनके जो मैं बाकी सारे 149 लोग को जो मैं हर दिन गाली देता हूँ कि दे शुड बी स्टैंडिंग ओवर हियर विद मी. बट इट इज़ आई डोंट नो द डिफरेंस. मैंने कभी मैंने सिर्फ फिल्म्स बनाई हैं. मैंने पहली बार मैंने नया नुक्कड़ में काम किया था एज एन असिस्टेंट. बट टू बी एबल टू हैंडल दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक इतनी बड़ी कहानी जो हाथू फिल्म जो इसराइल की माना जाता है लेजेंडरी कहानी है, उनको उसको लेके उसे अडेप्ट करना और उसे जस्टिफाई करना इज बिन
It's been a challenge, but it's been very, very worth it. As every single, I think 105th day of shooting, 106th day of shooting chal raha hai, and it's been worth every single minute. और इस शो से हमें क्या सीखने मिलेगा? आपको क्या सीखने मिलेगा? आपको सीखने मिलेगा कि इंडियन सिपाही 17 साल के बाद टूटता है नहीं. And in my opinion, you will understand the true meaning of patriotism. हम सब कहते हैं कि मैं पेट्रियोटिक हूँ क्योंकि मैं ये खाता हूँ और आप ये खाते हो. हम सब कहते हैं कि मैं पेट्रियोटिक क्योंकि मैं झंडा उठाता हूँ, आप नहीं उठाते. बट टू वेमेन हु हैव स्टेड फॉर 17 ईयर्स हैव स्टॉप्ड देयर लाइव्स फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड वेटिंग फॉर देयर हस्बैंड टू कम बैक, इन माय ओपिनियन दैट इज ट्रू पेट्रियोटिज्म. हाय, माय क्वेश्चन इज फॉर गौरव. गौरव, कंटेंट के बारे में बात करेंगे तो ये बड़ा प्रोग्रेसिव कंटेंट है, तो क्या लगता है ऑडियंस कैसे एक्सेप्ट करेगी और ये क्या शुरुआत है प्रोग्रेसिव कंटेंट की? जी, वो ऑडियंस के हवाले है और आप उनको क्या बताएंगी आपके भी हवाले है. अगर आपको अच्छा लगता है आप प्लीज़ कुछ अच्छा लिखिए, तारीफ़ कीजिए. तो हमें उम्मीद है कि आपका लेख पढ़ के, आपकी स्टोरी देखकर लोग आएंगे इसे देखने के लिए. जी हाँ, हमें लगता है कि ये बड़ी प्रोग्रेसिव कहानी है, इस उस खास करके उस वजह से जो निखिल ने अभी बताई कि ये ऐसी दो महिलाओं की कहानी है और ऐसे कई घरों की कहानी है जो जंग पर तो नहीं जाते लेकिन उनकी जिंदगियां भी थम सी जाती हैं. तो ये एक महत्वपूर्ण कहानी है और ये एक महत्वपूर्ण लम्हा है भारतीय टेलीविज़न पर, जहां हमारी लगातार कोशिश है नई तरह की कहानियां कहने की और अलग तरह की कहानियां कहने की. और मैं मायूस नहीं हूं. आज से 4 साल पहले हमने एक कहानी कही थी, उसका नाम था, अभी थोड़े दिन पहले ही उसे हमने उसका क्लाइमैक्स आया, दी और बाती हम. वो कहानी भी बड़ी सिंपल कहानी थी कि एक लड़की थी, उसका एक बहुत बड़ा सपना था कि वो एक आईपीएस अफसर बनेगी और उस सपने को पूरा करने में सबसे बड़ा योगदान दिया उसके पति ने, जो कि खुद लगभग अनपढ़ था. और ये कहानी कई कई सालों तक इस देश की सबसे बहुचर्चित और नंबर वन रेटिंग की कहानी थी. मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, हमने एक रामायण का वर्जन किया है जो कि रामायण की कहानी सीता के दृष्टिकोण से देखता है. वो उस कहानी को भी सराहना मिली है. तो मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में हर तरह की कहानियों के लिए जगह है और हमें लगातार नए नए प्रयोग करते रहने चाहिए. और हमारी ऑडियंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई बार कमी हमसे हो जाती है, कई बार हम उतनी खूबसूरती से कहानियाँ चुन नहीं पाते, कई बार कई सारे लोग उतनी उस मेहनत और उस लगन के साथ काम नहीं करते उन कहानियों को बहुत बड़ा बनाने के लिए. और मैं यहाँ पर खास करके निखिल की तारीफ करना चाहूँगा. निखिल ने जब इस शो का पायलट मुझे दिखाया, मुझे लगा, जैसा कि आपको लगा, कि एकदम फिल्म जैसा है और थोड़ा सा डर भी लगा. मुझे लगा कि निखिल बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, थोड़े दिन बाद आकर कहेंगे कि यार अब मैं नहीं डायरेक्ट करूँगा, अब मुझसे हो नहीं पा रहा. तो मैंने उनको कहा कि ये तुम करोगे ना आगे भी डायरेक्ट? तो आजकल वो हर दूसरे तीसरे दिन मुझे रात को 10 बजे फ़ोन करके बोलते हैं कि मैं अभी शूट ख़त्म करके आ रहा हूँ. और जैसा कि अभी उन्होंने बताया, 105 दिन हो गए और देश का एक बहुत बड़ा स्प्रिंट स्टार मैराथन लड़ने जा रहा है, तो आपकी मदद चाहिए. और अगर आपको लगता है कि ये अलग कहानी है, प्रोग्रेसिव कहानी है, तो प्लीज़ देखिए. और हमें यकीन है कि बहुत सारे लोगों को भी आपकी इस राय से सहमति हमें मिलेगी. थैंक यू. हाय, मेरा सवाल गौरव जी और निखिल जी दोनों से है. देखिए, ये माहौल हमारे चयन का नहीं था. जैसा कि निखिल ने बताया, लगभग 2 साल पहले मुझे इस कहानी के बारे में पता चला था और मुझे लगा था, मुझे दो चीज़ें पता थी, कि ये कहानी बहुत अच्छी है और गिडियन राव साहब का नाम बहुत बड़ा है. जिस तरह की कहानी उन्होंने लिखी है, उसके बाद जिस तरह की का फेम उन्हें मिला है पूरे दुनिया भर में और ख़ास करके हॉलीवुड में, क्योंकि इसी का एक बहुत बड़ा अमेरिकन अडेप्टेशन हॉलीवुड में भी बना है, होमलैंड. जो लोग अंग्रेज़ी टेलीविज़न देखते हैं उन्होंने शायद इस शो को देखा है. तो मैं आकर्षित हुआ इस कहानी को लेकर और मैं और मेरे सहयोगी स्वागतो, हमने सोचा कि इसे कौन बना सकता है. और हम दोनों को निखिल साहब का काम बहुत अच्छा लगता था, हम पहले भी कई बार मिल चुके थे, तो हमें लगा कि हमें निखिल से जाकर बात करनी चाहिए और अगर उन्हें कहानी अच्छी लगे तो शायद वो राज़ी हो जाएंगे और इस शो को बना लेंगे.
तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई. हम लगातार कई बार मिले, कहानी के कई पहलुओं पर गंभीर चर्चा हुई, कास्टिंग पे गंभीर चर्चाएं हुई, और उसके बाद हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं. और आज जो मुल्क में माहौल है, जी हाँ, फिर से जंग और जंग से जुड़ी हुई बातें पन्नों पर हैं, अखबारों में हैं, न्यूज़ चैनल्स पे उनकी चर्चा है. लेकिन मेरे हिसाब से इस कहानी में हम बात कर रहे हैं परिवारों की. हम बात ज़रूर कर रहे हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट है जो पाकिस्तान के साथ कई कई सालों से चल रहा है. और टेलीविज़न के लिए ये शायद नई बात है कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज़ और रॉ और ISI, इन सब का जिक्र एक पॉलिटिकल शो के तौर पे टीवी पे दिखेगा. तो ये एक नया टेरेन भी है जो जहाँ की आम तौर पे हमारे ड्रामास नहीं जाते. और उस वजह से भी ये हमें उम्मीद है कि कई ऐसे लोगों को भी अच्छा लगेगा जो शायद उस लगन के साथ हमारे ड्रामास आम तौर पे नहीं देखते हैं. हाय, गुड आफ्टरनून. नो, आई एम एग्री विद एवरीथिंग यू सेड. यू लाइक टू से समथिंग? नो, नथिंग. ओके, माय क्वेश्चन मेक्स the angry Indian goddess actually opt for such a role, because you've been quite choosy and picky about the kind of roles you do, and at the same time also Purab Kohli, what has been the attraction for this role, both of y'all actually? Well, you answered the question. I'm choosy about my roles, so when something good it comes along, I jump at it and I ignore the rest that comes and goes. So when Nikhil called me up and he tried to explain to me what Heart of Fame was, and he had to, of course, refer to Homeland, and I immediately jumped and said, I hope you're not offering me the role of Carrie Mathison. It's a stereotype. That's the kind of role I would be offered. And he said, this is not Homeland, Sandhya, and this is the role. And I liked what he said, and I had loved D-Day, and I, you know, I've known Nikhil for a while. He made me see Heart of Fame immediately, and I saw it, and I loved what he was trying to do. And I think this is the kind of television that I've been waiting for, standing by. Every few years they said Sandhya's coming back. I've made many comebacks, but I think this is the best comeback that I'm going to make right now. I'm quite certain of that.